morning, friends, or best of luck for your career as who is the aspirant of SSB and want to crack the SSB. First line which I want to tell you is crack yourself, not to crack SSB, because to cracking SSB is the process of learning how you are in the real life. So come to the English, from English to Hindi to understand well. Presently, मैं इधर जेबीमल एकेडमी में हूँ और मैं PCSL 2019 बैच में रेकमेंड हुआ हूँ और मैं इससे पहले मैंने यहाँ से अपना कोचिंग की थी. यहाँ पर जो मैं आया किस लिए था, सबसे बड़े मेन इम्पोर्टेंट ये है, मेरा डाउट था कि मेरी साइकोलॉजी कोई प्रॉब्लम है. सो मैं इधर पे आया. कैसे आया, जितने भी मैंने यहाँ साहब के गुरुजी द्वारा वीडियो शूट किए गए थे, सारे वीडियो देखा, उसके ऊपर रातों रात प्रैक्टिस भी की, उसके बाद भी मेरी कुछ डाउट्स थे जिनको दूर करने के लिए मैं आया. हालांकि कई मैंने यहाँ पर पता किया तो कई रिकमेंडेशन ऐसे थे जो बिना आए हुए हो गए गुरुजी के वीडियोज देख कर. सो लेकिन मैं आया तब यहाँ आकर देखा कि सागर में मैं एक पानी का मतलब बूंद की तरीके से जितना निकाल सकूं जितना निकाल लूं, तो उतना मैंने काफी कुछ सीखा यहाँ पर. ये एकेडमी बेसिकली लखनऊ में है. आप इनके वीडियोस वगैरह शेयर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा. और किताबें हैं कई, आप पढ़िए. लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, SSB क्रैक करने के लिए अपने ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है. अगर आप SSB क्रैक करना चाहते हैं और अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, अपने जो लेजीनेस है उसको दूर करना नहीं चाहते हैं, तो आप SSB को इतनी आसानी से क्रैक नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ आपको काम करने का वर्क साइकिल बहुत बड़ा है. मैं यहाँ पर 7 बजे शुरू क्लास स्टार्ट हो जाती थी और रात को 8 बजे तक गुरुजी लगे रहते थे हमारे साथ में. हम बहुत मेहनत करते थे, सारा ग्रुप जो मेरे बंदे थे जितने भी साथ में काम करने SSB वाले एस्पिरेंट, सारे अच्छे काम, स्टाफ अच्छा है और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि मुझे यहाँ से इस कोचिंग का गाइडेंस मिली, जिसकी वजह से आज मैं अपनी SSB को क्रैक कर पाया. पिछले कई सालों से, 4 साल तो क्या, मैं कई सालों से प्रेस कर रहा था. मैंने पहला SSB ACC 94 दिया था 2004 में. उसके बाद से मैं कंटिन्यू प्रयासरत था और लास्ट में इन 6th अटेम्प्ट मैंने PCSL में इसको क्लियर किया है. थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द एस्पिरेंट्स. थैंक यू.